मिस्ट्री बॉक्स खरीद लिया, ठीक है। अब पहले उम्मीद करो कि मेरा कुछ अच्छा निकले। चलो अब हम ओपन करने वाले मिस्ट्री बॉक्स को। ये मेरी सारी पेमेंट्स हो गई, ये मैंने दबा दिया ओपन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक एप्लीकेशन जो कि हाइप बॉक्स है, इसमें क्या हो रहा था, मिस्ट्री बॉक्स से कह जा रहा था, मतलब यहाँ पे आप पैसे लगाइए और मिस्ट्री बॉक्स ओपन कीजिए और उसमें से आपको आपकी वैल्यू के हिसाब से ज्यादा ज्यादा विनिंग करने का मौका मिलता है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अभी राइट नाउ ये जो ऐप है ये स्कैम कर चुकी है बहुत सारे को, बट मैं आपको सबसे पहले कुछ क्लिप दिखाना चाहूंगा। आप सबसे पहले ये क्लिप देख लो। ये चेहरा रहेगा या नहीं रहेगा सब आप पे लोग पे डिपेंड करता है दोस्तों। इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि एक हाई बॉक्स करके एक एप्लीकेशन आया था कुछ दिन मार्केट में, हम ज्यादा यूज नहीं किए, कुछ दिन पहले ही यूज किया जब मिस्टर इंडियन हैकर का वीडियो आया था दोस्तों। उसमें हम अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं और सुन रहे हैं कि वो एप्लीकेशन वीडियो को नहीं दे रहा, भाग रहा और हम घर से चोरी छुप कर सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं दोस्तों। हम क्या करें, सुसाइड करने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा। बट यूट्यूबर क्या बोलता है, मिस्टर इंडियन हैकर क्रेजी एक्स वाई जेड का वीडियो और एक्स वाई टीवी का वीडियो हमेशा हम देखते थे, उनको हम फैन थे, सबका वीडियो आया तो ही हम सब पे मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। 5,000 ने मेरा पैसा नहीं दोस्तों, पहले मेरा ये आप लोग मिस्टर इंडियन हैकर के पास या क्रेजी एक्स वाई जेड के पास या एक्स वाई टीवी के पास शेयर कर दीजिए प्लीज दोस्तों। आज वो मेरा से प्रार्थना है आप लोग से, प्लीज दोस्तों सपोर्ट को आया दीजिए प्लीज। सारे यूट्यूब क्रिएटर जिन जिन ने प्रमोट किया, बहुत सारे इनकी साइट पे भी लिस्ट है, कई लोग हैं और भी कई लोग जिन्होंने प्रमोट किया है। मैं जानता हूं कि आपने, चलो आपसे गलती हो गई, बट 1,00,000 रुपया मिस्ट्री बॉक्स का 1,04,000 का ग्रिलर मेरे को मिल गया। अगर मैं इसको मंगवाना भी ना चाहूँ तो भी ये ग्रिलर मैं ऑन द स्पॉट ऐप पे ही बेच सकता हूँ, तो रीसेल वैल्यू है और ये रीसेल जो होती है वो हमेशा मिस्ट्री बॉक्स के प्राइस से ऊपर होता है, तो कभी भी लॉस नहीं होगा। मैंने कहा था 0 लॉस मिस्ट्री बॉक्स है, तो भाई उसको वहीं पर बेच लो। अब जैसे इसका रीसेल प्राइस आ रहा है 1,01,000, तो मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इससे ज्यादा भाई टैल हो गया, हाई बॉक्स पे तुम भी जाओ मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर करो और यहाँ से मैं बुलाता हूँ जासूस किंग को, देखते हैं उसकी किस्मत चलती है नहीं। बाय मम्मी बाय द मीम। So, यहाँ पे आपने देखा कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जैसे कि इनमें से इल्विस यादव है ना, फुकरे इंसान, सौरभ जोशी और दोस्तों मिस्टर इंडियन हैकर, कॉमेडी स्टार भारती, इन सभी ने इस एप्लीकेशन का रिव्यू किया है, इस एप्लीकेशन का प्रमोशन किया है और राइट नाउ यहाँ पे ये एप्लीकेशन स्कैम कर चुकी है। बहुत सारे मेंबर्स का 50,000,00,000 रुपया यू ही चले गए, यू ही स्कैम में फंस चुके हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि ये रिकवर कैसे होंगे, ये पैसे कैसे आप तक पहुंच पाएंगे, वापस कैसे आप ला पाएंगे। सो इसके लिए वीडियो को कमेंट वॉच कीजिएगा, मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, राइट। लेकिन अभी मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि यार क्या आपके पास दिमाग नहीं है? 1.5 साल पहले भी एक एप्लीकेशन आई थी पावर बैंक करके, उसने भी लगभग 50,000, एक एक बंदे का 50,000,00,000 रुपया 1.5 लाख रुपया लेकर चला गया था और आज फिर से यहाँ पे हाई बॉक्स करके एक एप्लीकेशन आई और आपकी उड़ा ले गई। और वो भी पावर बैंक भी क्या थी, वो भी आपके प्ले स्टोर पे इंस्टॉल थी, मतलब कि अवेलेबल थी। और साथ साथ यहाँ पे इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे स्कैम की जा रही है। सो क्या आपको ये आइडिया लगता है कि शॉर्ट टर्म अर्निंग करने के चक्कर में आप बड़े बड़े पैसे दे जाते हो इन सभी एप्लीकेशन वाले को? सो यहाँ पे आपको समझदारी वाली बात करनी चाहिए दोस्तों, आप लोग समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, राइट। आप अपने मेहनत के पैसा ऐसे कहीं भी पैसे लगा दे रहे हो किसी कहने पे, यार इन्फ्लुएंसर क्या है, वो पैसे लेकर प्रमोशन करते हैं, पैसे लेकर। जैसे मान लो मैं ही कुछ कर रहा हूं, अगर कुछ एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहा हूं, उस एप्लीकेशन के बारे में बढ़ाई कर रहा हूं, उस एप्लीकेशन के बारे में कह रहा हूं कि यार यहां पे बहुत सारे पैसे बन सकते हैं, ये वो लंथ फंथ, मतलब मैं कहीं ना कहीं पैसा खाया हुआ हूं, वहां से पैसा ले चुका हूं उस एप्लीकेशन से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ बुराई भी कर रहा हूँ, कुछ भलाई भी कह रहा हूँ, रियल चीजें बता रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे अगर आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को देखते हैं और उनसे मोटिवेट होते हैं कि नहीं उसने ऐसा कहा है ऐसा होगा, अरे सौरव जोशी बा यार रियल बंदा है यार, सोच के आपने पैसे लगा दिए इसमें, अब आप झेलो। चुका है अनबॉक्सिंग का। आप 300 से लेके 1,00,000 रुपए तक की मिस्ट्री बॉक्स ओपन कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो मैं आपको दिखा। क्या सौरभ जोशी इसका जिम्मेदार लेंगे कि आपके पैसे चला गया तो मैं वापस कर दूंगा? ये फुकरे इंसान लेंगे या दोस्तों जिसके आपने वीडियो देखा वो लेंगे? कौन लेगा इसका जिम्मेदारी कि आपके पैसे चले गए मेहनत का? तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है ना कि आप ही गलती किए बैठे हो,
आपकी गलती है, आपने खुद का नहीं सुना, आप उन लोगों को सुन रहे हैं जो ऑलरेडी फेमस हैं, जिनको ऑलरेडी पैसे के बदौलत वो एप्लीकेशन दी जा रही है कि हाँ आप प्रमोशन करो। इन दिनों आपको वायरल होता हुआ दिखा था वो वाला हेयर ऑयल वाला, आदिवासी ऑयल वाला, उसमें भी काफी सारे स्कैम हो रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि कई दिग्गज लोग आके वहां पे उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, जबकि वो मोस्टली स्कैम हो रहा है। आप लोग कमेंट में बताओ कि आपका कितना कितना पैसा लॉस हुआ है, जल्दी बताओ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस कैसे इसका रिकवर करना है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लिप देख लो जिससे आपको आइडिया लग जाए कौन कौन इन्हें, किस किसने इस एप्लीकेशन पे रिव्यू दिया था या इस एप्लीकेशन को प्रमोशन किया है। वो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे, सबसे बड़ी बात ये है भाई, आपने रिव्यू दिया है, आपने प्रमोशन किया है और वो एप्लीकेशन फ्रॉड कर दिया है, उस एप्लीकेशन ने स्कैम कर दिया, और अभी तक आप कुछ भी अपने YouTube वीडियो पे या YouTube पे आकर रिव्यू नहीं दिया कि भाई ये गलती हो गई, ऐसा हो गया, मैं बात कर रहा हूं या समथिंग। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हम उनके वेबसाइट पे गए और वहां पे चेक करने की कोशिश किए कि जो उनके हेल्पलाइन है उससे हम लोग बात कर सके। ठीक है, तो वहां पे आप देख पा रहे हैं कि वहां पे जो कॉल है उसे फॉरवर्ड कर दी जा रही है, मतलब कि डायरेक्टली कॉल लग भी नहीं रहा है, दिक्कत ये है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि आप जैसे लोग, मैं क्या ही बताऊं, आप जैसे कहने का मतलब कि आप तो फंस चुके हो तो आप जैसे ही होगे। ठीक है, यहाँ पे जो स्कीम इसमें है कि 300 रुपया आप लगाओ, ठीक है, और 300 के बदले आप मिस्ट्री बॉक्स खोलोगे, उसमें से आपको आपके वैल्यू के हिसाब से ज्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, पहला चीज। दूसरा, अगर मान लो इनकेस कुछ गड़बड़ हो गया, लॉस हो गई, तो आप इसको रीसेल कर सकते हो। यहां पे ये भी है, रीसेल कर सकते हो। अब इस रीसेल में क्या है कि आपको 315 से लेकर 350 960 तक का आपको रिटर्न देने को मिलेगा, मतलब उतना प्रॉफिट में आप क्लोज कर पाओगे। गजब की यहां पे खेल चल रही। अरे सिंपल सी बात है भाई, कोई भी एप्लीकेशन इतना पैसा कैसे बांट सकता है, कैसे बांट सकता है मुझे बताओ। वो क्या कर रहा है वो एप्लीकेशन वाला, वो कंपनी क्या कर रही है कि वो आपको इतना पैसा दे देगा। तो ये कहीं ना कहीं एमएलएम टाइप में एंड कुछ ऐसे ही फ्रॉड करने के लिए स्पेशली ये एप्लीकेशन लाए जाते हैं, और मार्केट में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे एप्लीकेशन के बीच में मत फंसिए, ऐसे एप्लीकेशन में, ऐसे कंपनी में पैसे बिल्कुल भी ना लगाएं यार। रियल ऑर्गेनिक काम कीजिए ना, जाइए स्टॉक मार्केट में काम कीजिए। ठीक है, थोड़ा समझदारी से पढ़ लिख के समझ के इन्वेस्ट कीजिए, जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, है ना, फिक्स डिपोजिट कीजिए, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए ना। क्यों ऐसे एप्लीकेशन दे रहे हो जिसमें आपके पैसे जाने की संभावना ज्यादा है, आने की कम है, शॉर्ट टर्म अर्निंग करने आपके, वाह क्या बात है। चलिए अब इसे रिकवर कैसे करना है ये बताता हूं, ताकि मैं ज्यादा हाइपर हो रहा हूं, राइट। सो अब मैं आपको बताता हूं इसका सोल्यूशन क्या है। फटाफट जाओ और साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर इसका कंप्लेन करो, साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर इसका कंप्लेन दर्ज कीजिए, और आपको कॉल करना है 1930 पे। कहां पे कॉल करना है? 1930 पे कॉल करना है, साइबर का ये नंबर है, आप जाकर कॉल कीजिए यहां पे, और वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कैसे आपको यहां पे सुविधा मिलेगी। और लोकल जो साइबर क्राइम का जो ब्रांच है वहां पे जाइए, अपने एरिया के 7-8 किलो 10 किलोमीटर के अंदर में कहीं ना कहीं होगा वो, और जाइए वहां पे कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन के साथ साथ आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पे कमेंट कीजिए और फिर इसका रिसिप्ट निकालिए। अगर आप किस्मत सही होगी तो आपको पैसा रिटर्न आ जाएंगे, वैसे मोस्टली लोग आ रहे हैं तो आपके भी आ जाएंगे, तो फटाफट अप्लाई करें। अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं नेक्स्ट वीडियो जो दूंगा उसमें मैं आपको फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा, और मैं पर्सनली फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरने हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे एप्लीकेशन से दूर रहें। ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ आप सभी को अलर्ट करने के लिए है, सतर्क करने के लिए है, ना कि मैं कहीं किसी चीज को बढ़ावा दे रहा हूं। याद रखिएगा, ये वीडियो से आपको ये सीखना है कि आपसे नेक्स्ट टाइम, मैंने 1.5 साल पहले भी ये वीडियो बनाए थे कि पावर बैंक भी एक ऐसा ही एप्लीकेशन था जो पैसे लेकर भाग गया था, अभी ये हाई बॉक्स करके एक एप्लीकेशन है, ये भी पैसा लेकर भाग चुका है, और आने वाले और भी एप्लीकेशन आते रहेंगे। लेकिन आप एक बार धोखा खाते हो, बार बार क्यों खाते हो भाई, अब मत खाओ धोखा। ठीक है, सो आप फटाफट पहले कमेंट करो कितना लॉस हुआ है आपका, और फॉर्म भरो। अगर ज्यादा लॉस होगा तो मैं खुद आपके फॉर्म भरूंगा। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। चलिए इंड करता हूं, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ध्यान रखिए अपना, और साइबर क्राइम पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म जरूर भरे। थैंक यू सो मच।